देश की खेती को कॉरपोरेट घरानों और जमाखोरों के हवाले करने के खिलाफ दिल्ली चलो का नारा देने वाले किसानों को रोकने के लिए केंद्र की मोदी सरकार और बीजेपी शासित राज्यों की सरकारें ऐसे हथकंडे अपना रही हैं जिसे आज तक देखा सुना नहीं गया। कहीं सड़क पर कंक्रीट के बड़े बड़े स्लैब लगाकर रख दिए गए हैं, कहीं बस और ट्रक के साथ साथ क्रेन को लाकर आड़ा तिरछा खड़ा कर दिया गया है, कहीं सड़क पर बड़े पत्थर रख दिए गए हैं कि सामान्य 10-20 लोगों से हटाए न हटें। सोनीपत के पास हडलाना में तो सड़क को खोद कर वहां गड्ढा बना दिया गया है। इस पर भी पुलिस प्रशासन निश्चिंत नहीं हुआ तो उसने खुदी हुई सड़क के दोनों ओर कंक्रीट के बड़े बड़े स्लैब रखकर वहां तारबंदी कर दी है। जिन आम लोगों की परेशानी को ढाल बनाकर सरकारें और उनका गोदी मीडिया हड़तालों और जनता के संघर्षों को बदनाम करता है, अब वो सरकार की ही इन करतूतों पर चुप्पी लगाए बैठा है। ऐसा लग रहा है कि पंजाब से दिल्ली के बीच हर जिले की सीमा भारत पाकिस्तान की सीमा की तरह हो गई है। फिर किसान अपनी एकता के बूते इन बड़े बड़े अवरोधों और बैरिकेड को पार कर दिल्ली की ओर बढ़े चले आ रहे हैं। जब किसानों के दिल्ली कूच का अभियान शुरू हुआ उसी रात हरियाणा के लगभग हर जिले में किसान नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। किसी को आधी रात सोते हुए गिरफ्तार किया गया, किसी को मार्च करते हुए रास्ते में पकड़ लिया गया। इन्हीं में से दो शख्सियत योगेंद्र यादव और मेधा पाटकर को हरियाणा और यूपी में हिरासत में ले लिया गया। ये किसान जमाखोरी को इजाज़त देने वाले कानून, निजी मंडी को बढ़ावा देने वाले कानून और ठेके पर खेती करने की इजाज़त देने वाले तीन कृषि कानूनों को तत्काल वापस लेने की मांग कर रहे हैं। याद होगा कि अभी बहुत दिन नहीं हुए जब मोदी ने खुद अपने मुंह से किसानों की आय दोगुनी करने का लोक लुभावन वादा किया था। करने का लक्ष्य लेकर के आगे बढ़ना है, किसानों को साथ लेकर के आगे बढ़ना है, सरकार की पुरानी नीतियों में बदल करके आगे चलना, जहां जहां कठिनाई है उन दूर कर करके आगे बढ़ना। लेकिन एक साल के भीतर ही कोरोना की आड़ में ऐसे कानून बना दिए गए जिससे किसानों के बिकने की नौबत आ जानी है। जो काम मनमोहन सिंह की सरकार भारी जन दबाव के चलते नहीं कर पाई उसे मोदी ने अपने उद्योगपति मित्रों को थाली में सजा कर दे दिया है और अब उस मलाई की रक्षा में अपने पूरे सरकारी अमले और ताकत को झोंक देने पर आमादा है। ड्रोन कैमरों से हवाई निगरानी जारी है, बसों में चेकिंग की जा रही है कि हरियाणा और पंजाब से आने वाले वाहनों में कोई किसान तो नहीं छुपकर बैठा है। सड़कों पर ऐसे सीमेंटेड भारी स्लैब रख दिए गए हैं कि किसान उन्हें उठा न पाए। इसके अलावा इन पत्थरों के हुक में लोहे की मोटी चेन बांध दी गई है, लेकिन क्या जनशक्ति के आगे ये सब टिक पाएंगे? दो दिन के मार्च में ऐसा दिखता नहीं है। निहत्थे किसानों के सामने बुलडोजर लाकर खड़ा कर दिया गया है, पुलिस, आरएफ, पीएसी, सीआरपीएफ लगा दिया गया है। दिल्ली को इस तरह सील कर दिया गया है कि काम के लिए ही सही दिल्ली की सीमा से बाहर जाने वालों को वापस लौटने में पसीने छूट जा रहे हैं। मेट्रो के परिचालन को दिल्ली की सीमा के बाहर रोक दिया गया है ताकि मेट्रो से किसान दिल्ली न पहुंच जाएं। मोदी सरकार अपनी करतूतों से मुंह चुराते हुए शांतिपूर्ण प्रदर्शन की इजाज़त क्यों नहीं दे रही है? याद रहे कि 26 नवंबर को संविधान दिवस भी था और इसी दिन ट्रेड यूनियनों ने आम हड़ताल की घोषणा की थी। सारे सरकारी दफ्तर बंद रहे, लेकिन इसी दिन पूरे देश में संविधान की धज्जियां उड़ाई गईं, जिसका सिलसिला अगले कुछ एक दिन और चलने वाला है। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो, जहां भी बोल सकते हैं झूठ बोलो, जितनी बार बोल सकते हैं झूठ बोलो, किसी भी विषय पर बोलो तो सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलो, एक ही काम झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो, हर जगह पे बोलो और जोर जोर से बोलो।